और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। इस समय हम मौजूद हैं सीधी जिले के बहरी तहसील पर, जो सियावल विधानसभा के अंतर्गत आता है, जहाँ पे पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा एवं पंचायत द्वारा शौचालय का निर्माण करवाया गया था। शौचालय का निर्माण हुआ, सबकी सुविधाओं के लिए बनाया गया था, लेकिन मैं आपको अद्भुत नज़ारा अंदर का दिखाता हूँ, जिसे देखकर आप भी ताज्जुब हो जाएंगे। पहली चीज़ तो ये है कि देखिए, ये महिलाओं के लिए बनाया गया है, ये महिलाओं को पेशाब घर बनाया गया, पेशाब ढंग बनाया गया है। उसके बाद फिर आप सामने आ सकते हैं, ये सामने ये पुरुषों के लिए बनाया गया है, ये पुरुषों के लिए है। उसके बाद फिर आप यहाँ देख सकते हैं, पुरुषों के लिए पेशाब घर। अब एक सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे बनाया गया है पुरुषों के लिए पेशाब घर, बाकायदा यहाँ पर आप एक देख सकते हैं, बिस्तर लगा हुआ है, गैस सिलेंडर रखी हुई है, बर्तन के सामान रखे हुए हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है। और यहाँ पर देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति रहते हैं जो यहाँ पे मौजूद है। आपका क्या नाम है? हमारा राजमन साकेत नाम सर। राजमन साकेत, कहाँ के हैं आप? हम तो अमरही के हैं सर जी। अमरही के हैं जी सर। जो आप ये बिस्तर उस्तर लगाए, किसका है ये? हमारा है सर जी। ये हमारा है सर जी। जो हमने रात में चले जाते थे तो हमको बहुत तकलीफ होता था, इसलिए मैं यहाँ रहने लगे कि कम से कम रात बिरात आने की वाले को यात्री की कम से कम आराम हो जाएगा, यहाँ रहने लगेंगे। तो ये तो पुरुष के पेशाब घर के लिए बनाया गया है या व्यक्तिगत आपके लिए कमरे बनाए गए हैं? अब हमको यहाँ व्यवस्था दिया गया तो हम नहीं जानते हैं कमरा है कि पेशाब घर है सर। व्यवस्था देने वाले व्यक्ति कौन है? हाँ, हमारे सेक्रेटरी हैं, सरपंच हैं सर जी। उन्होंने आपको ये कहा है कि आप इस यहाँ पे कमरे को रखिए, बिस्तर रखिए, गैस सिलेंडर रखिए, खाना बनाइए, ये किनके द्वारा कहा गया? अभी ये हमको रखा गया तो हमको यहाँ पर मतलब ये नहीं कहा गया कि मतलब आप यहाँ पर कमरे बना के रहो, पर हमको व्यवस्था दे जाएगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। आप हमको रहने की व्यवस्था मिल जाएगा तो मैं चले जाऊंगा। आप उचित बताइए कि क्या ये उचित है? क्या कहें सर जी, मैं रहता हूँ, आप बताइए क्या उचित है? नहीं सर जी, मैं मेरे साथ में ग्रामीण भी जुड़े हुए हैं, यही के हो सकते हैं शायद महोदय। आपका शुभ नाम सर? अरुण कुमार द्विवेदी। अरुण कुमार द्विवेदी जी, क्या ये जो आप सामने नजारा देख रहे हैं, क्या ये उचित है? नहीं, उचित नहीं है, लेकिन ये क्या है कि इसको सरपंच सचिव द्वारा कहा गया होगा, तभी तो यहाँ पे अपना सामान रखा है, नहीं तो कहाँ के लिए रखता? शौचालय का इस तरीके से उपयोग होना चाहिए, सार्वजनिक शौचालय जो बना गया है, इस तरीके से अगर नजारा आप लोग के सामने देखा जा सकता है कि बिस्तर लगे हुए हैं और यहाँ पे मतलब पेशाब घर होना चाहिए, वहाँ पे सिलेंडर रखा हुआ है, बकायदा सारी चीजें रखी हुई है, अगर सरपंच सचिव द्वारा ये काम करवाया जाए तो ये तो निंदनीय है, एकदम निंदनीय। अगर इनको व्यवस्था, अगर इनको गार्ड के तौर पर रखा गया तो इनको व्यवस्था करनी चाहिए, न कि इनको शौचालय में अपना घर बना लेना चाहिए। उचित है? नहीं, उचित नहीं। देखिए, साफ तौर पर मेरे साथ ग्रामीण जुड़े हुए थे, उनका भी कहना यह था कि उचित नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा। इनकी मजबूरी हो सकती है, जो भी हो सकता है, बकायदा यहाँ पर एक पर्दा लगा दिया गया है और पर्दे के साथ में यहाँ पर इनके लिए सोने के लिए उन्होंने अपना बेड बनाया हुआ है, मोबाइल रखी हुई है, गैस सिलेंडर रखा हुआ है और इनके कपड़े उपड़े भी हैं। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा अंदर आके वो दिखाएं कि इनके कपड़े वगैरह भी रखे हुए हैं, कपड़े हैं और गैस सिलेंडर है, कुछ इनके सामान हैं। अब इसके जिम्मेदार कौन है ये तो कहना लाजमी नहीं होगा, क्योंकि हम जब बात करेंगे, सरपंच से बात करेंगे या सेक्रेटरी से बात करेंगे इस विषय पर, उनकी क्या क्रिया प्रतिक्रिया निकल कर सामने आती है ये देखना दिलचस्प होगा। तो बने रहें ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ों के साथ, हम आपको हर लेटेस्ट न्यूज़ आपको इस तरीके से अपडेट कराते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलते चलते एक चीज बोलना चाहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। साथ ही गूगल प्ले स्टोर में जाकर पोल पोल पोस्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जिससे नई अपडेट आपको तुरंत मिले। साथ ही आपको एक खुशखबरी देना चाहेंगे कि हमारा जो है FM रेडियो जल्द चालू होने जा रहा है। धन्यवाद।